सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई भाई भाई, आज फिर से एक नई शाम की शुरुआत। बहुत ही अपने आप ही अब लगा लो यार, कौन से वाले व्लॉग के साथ, क्योंकि यार अभी हम लास्ट व्लॉग में हम लोग दुबई आए थे, आईफोन परचेज़ किया था, गफार मार्केट में भेजा था, बड़े मतलब बहुत अच्छे यार उसमें एक प्राइस में बिका मेरा आईफोन। उसके लिए भी यार एक आईफोन का भी एक कमेंट आया हुआ है कि यार वो बेसिकली इंस्टा पे मेरे को मैसेज आया हुआ है कि आईफोन की डिटेल वीडियो डालो। यार देखो क्या होता है, मैं आईफोन की वीडियोस ना अवॉइड कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस दिन वीडियो डालूँगा उस दिन रेट कुछ और होगा, फिर रेट आगे जाके बदल जाएगा, फिर लोग ना थोड़ा सा आप समझ रहे हो, बस वो चीज़ है और कुछ नहीं। हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी दुबई से मैं दिल्ली आऊँगा तो आईफोन उस टाइम पर जो रेट चल रहा होगा एक छोटा सा मैं क्लिप्स डाल दूँगा, लेकिन यार आईफोन की वीडियो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ बढ़िया सा आ जाए। तो यार देखो अभी मैं हम लोग दुबई जा रहे हैं, आप लोग और मैं, तो दुबई वापस जा रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए आया था, वैसे आया था 10 दिन के लिए, लेकिन यार मन नहीं लग रहा और बस नहीं लग रहा यार, तो मैं वापस जा रहा हूँ। और एक मेरे को कमेंट भी आया था प्लस इंस्टा पे DM भी आया था कि यार आप जो है ना एक बारी दुबई कस्टम्स का व्लॉग बनाओ। दुबई कस्टम में वाइन्स को ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे थे रादर देन कि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दारू एक ऐसी चीज़ है भाई भाई भाई, कितने बड़े वाले हैं यार लोग, मतलब उनको दारू चाहिए यार। पर कोई बात नहीं, मैं अभी यार एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कस्टम में जो मैक्सिमम जो विस्कीज़ हैं, वाइन, लिकर, अल्कोहल, चॉकलेट क्रीम्स जो नशे वाली होती है, मैं कवर कर पाऊँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में बने रहना। आगे बढ़ने से पहले तो आप यार ये चीज़ देखो, कराची बेकरी का कियोस्क लगा हुआ बिल्कुल बीच में। जब मैं ये काफ़ी है यार, काफ़ी नाम भी सुना है इसका, मैं जब आया था ना एयरपोर्ट तो नीचे इसका बहुत बड़ा शोरूम भी था। सही है यार, काफ़ी अच्छा है। पर यार हम लोग एयरपोर्ट का व्लॉग नहीं डाल रहे हैं, हम लोग तो यार हम एक स्पेसिफिकली किसी चीज़ का व्लॉग डाल रहे हैं ना। यार आप लोगों को ना मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स भाई लोग, यार आप लोग अगर मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आप लोग अगर एक स्पेसिफिक किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर के साथ जुड़ रहे हो, लेट्स से एयरटेल हो जाए, वोडाफोन हो जाए एंड सो ऑन, तो यार उन लोगों के ना अभी जैसे एयरटेल का मैंने यहाँ पे काउंटर देखा है तो उसके जो रिचार्ज वाले जो प्लान थे, अगर आप जिस जगह पे हो, लाइक दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं पे भी हो, उस जगह अगर आप रहते हो और वहाँ पे जाके अपने एयरटेल के ऑफिस से जाके पता करोगे कि भाई हम दुबई जाना चाह रहे हैं या हम इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप प्लान्स बताओ, तो वो आपको जो प्लान्स बताएंगे, ठीक है, और जो एयरपोर्ट पे यहाँ पे जो छोटे छोटे कियोस्क हैं ये जो प्लान बता रहे भाई, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मान के चलो कि मतलब मैंने अभी एक एयरटेल का प्लान देखा, 3,000 रुपये में आपको ये एक महीने का, 3,000 का या 3,100 रुपीज़ का है एक महीने के लिए आपको, आप मतलब आपको इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर सकते हो, इंटरनेशनली आप अपनी सिम यूज़ कर सकते हो। तो मतलब देख लो, आपके ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना चाहते हैं कि हम इंडिया से ही अपना रिचार्ज, दिल्ली से मतलब बाहर से करा के हैं, 6-7 हज़ार रुपये का रिचार्ज होता है, एक महीना चलता है या पता नहीं 10 दिन चलता है और सो ऑन, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे बिल्कुल आधा रेट है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपने वहीं से करा के आओगे तो मत कराना, एयरटेल वाले तो बिल्कुल मत कराना, यहीं आके करवाना, बिकॉज यहाँ पे जो है ना आपको आधे रेट में चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फाइनली दिल्ली का ड्यूटी फ्री। आज अपने पास भाई खुला टाइम है, फ्लाइट 2 घंटे बाद की है, बट चलो ये जो है, सो दिस इज़ दी ब्लैक लेबल और ड्यूटी फ्री में देखो इसका प्राइस क्या मिल रहा है, 2 लेते हो तो 5,590 और 4 लेते हो तो 10,000 रुपये की। सही है भाई। उसके अलावा ये कौन सी है, शिवास, अच्छा शिवास का मिल रहा है 2,5590 और 4,10,000, अच्छा शिवास भी, क्या बात है, 6 लेते हो तो भाई साहब 15,590 प्लस फ्री गिफ्ट, अच्छा, लेकिन चलो पता 6 की कोई सेंस लगी नहीं मेरे को, पर ठीक है, हर किसी का अपना अपना यहाँ पे हिसाब है। और उसके बाद हम देखते हैं ये कौन सी है, हेंड्रिक्स, ये देखो इसमें ना यहाँ पे दिया हुआ है जिस हिसाब से शॉप टुगेदर एंड 500 रुपये ऑफ, और प्राइस इनका है 4,390। यार एक्चुअली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना ये वो मेरे को मिल नहीं रहा, बट ठीक है, इट्स फाइन, अभी तो और भी थाएँ बहुत सारी हैं। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है मार्टिन मिलर्स जिन, अच्छा यार आप प्राइस देख लो, 3,510,
और ये वाली है हॉलीडे डिलाइट, ना हॉलीडे डिलाइट नाम नहीं है इसका, इसका है सिप स्मिथ एंड दिस इज़ 3740। नीचे भी कुछ हैं, कईयों के नाम मैं एकदम से ले नहीं पाऊँगा क्योंकि यार मुझे खुद ही नहीं पता। आप यहाँ पे नाम देख लीजिए और यहाँ पे इसका प्राइस पड़ा हुआ, प्राइस देख लो एक बारी। उसके बाद यहाँ पे है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ओरिजिनल। ओके अच्छा ये देखो, ये 22 की प्राइस लिस्ट है, आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि क्या इनका मतलब प्राइस चल रहा है बिना टैक्स का। ये सारा है ना ड्यूटी फ्री है। और नीचे वाला देखो एब्सोल्यूट, ये दूसरे वाला है बाय टू गेट 20% ऑफ पे, देखो ये मिल रहा है यहाँ पे। और एब्सोल्यूट वोट का भी देख लो एक बारी। ये तो बच्चे हैं यार सारे, दुबई में जो था ना भाई साहब बहुत अमेजिंग था। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा दुबई का भी व्लॉग आए। ये देखो यहाँ पे साइलेंट पून मिल रहा है 7820, 6 o'clock मिल रही है यहाँ पे 5180 की। अच्छा क्लेवा की मिल रही है यार, यहाँ पे तो प्राइस ही नहीं लिखा। चलो नीचे लिखा हुआ शायद ड्राई जिन का। अच्छा ये ड्राई जिन का है, दो लोते हैं तो 5030। और उसके बाद भाई यहाँ पे नीचे है, अबे नाम भी नहीं सुना, कोलोन से 6420 ना 6260। केप ग्रेस, भाई साहब नाम ऐसे है कि मुंह में पानी आ जाए कसम से। नहीं ये किसी और का है, ये 44 जिन का है और इट्स 9390। अच्छा यार स्केप ग्रेस का ना प्राइस लिखा नहीं हुआ, बट यही लिखा है कि गेट एडिशनल 100 मतलब 1000 ऑफ, तीन और चार लोगे तो 1500 ऑफ। ये रहा स्केप ग्रेस क्लासिक प्रीमियम 4690। मरमेड पिंक 5790 एंड दिस इज द क्राफ्टर्स वाइल्ड फॉरेस्ट 4490। ये वाली भी देख लो बी फादर लंडन। बहुत सारी हैं यार पर कोशिश करता हूँ फटाफट निपटाता हूँ इसको। ये वाली है भाई बकाडी, बकाडी आर वाई ई लिखा हुआ है इस पर। ओके तो अच्छा 8 साल पुरानी है इसमें लिखा ना 8 ईयर्स, ये 8 साल पुरानी है। और 5690 की ये वाली बॉटल है। और ये वाली जो है ये है एक्स्ट्रा रेयर गोल्ड, इस पर लिखा हुआ देखो बकाडी ग्रैंड रिजर्वा डाइज एक्स्ट्रा रेयर गोल्ड, तो ये है 7290। आई थिंक दोनों 8 साल पुरानी है, ये गिरा हुआ है किसी का। अच्छा ये 10 साल पुरानी है। ओके ओके ये गिरा हुआ था, चलो गिरा ही नहीं देते हैं। ओके ये भी देखो, ये भी सेम है बकाडी 10 साल पुरानी 7290 और ये 8 साल पुरानी 4490। ये दूसरी है बकाडी एनेजो क्वात्रो, ये 4 साल पुरानी है, ये है 3390। मतलब जितनी ज़्यादा पुरानी उतना ज़्यादा इसका प्राइस। ओके ये देखो बकाडी काटा ओरो, टाका माका, वाह ये टाका माका है भाई 2490। ओके ये भी आई थिंक ये देखो 21,000 की है, देखो 84,000 की कासा मेस्त्री लिमिटेड एडिशन
ये अभी जो है 85,000 की, अभी ये ड्यूटी फ्री के बाद है, मतलब इस पर कोई ड्यूटी नहीं लग रही, तो जाके ये है, ये देखो कैसा मस्तेरी की 10,800, 10,390। बॉटल देखो भाई साहब, डॉन जूलियो। मैं ना सारे बोल नहीं पाऊँगा, मैं प्राइस आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बारी प्राइजेस देख लो, आपको पता लग जाएगा कि जो हमारे इंडिया में आप लोग किसी भी स्टेट से लेते हो उसका क्या है और यहाँ पे क्या है। हाँ देखो यार, ये मेरे काम की है बेलीज, ये तो यार ऑब्वियसली मेरे काम की है क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत लोग पीते हैं ये, तो 3,000 रुपये या 3,500 की हमारे को बाहर मिलती है। अब देखो ये वाली जो है यहाँ 2390 की है, बेलीज की बर्थडे केक, बट जो मेरे बॉसेस पीते हैं वो ये वाली पीते हैं, इसमें वो है कॉफ़ी, अब वो पता नहीं कौन सी एक्सप्रेशो वाली है या ये कैरेमल वाली है, ये नहीं पता। सो दे आर गिविंग इट फॉर 2690। बेसिकली क्या है ना कि जो बेलीज की जो जो विस्की है ना, वो विस्की नहीं है, वो आइसक्रीम है, कॉफ़ी फ्लेवर, क्रीम कह दो कॉफ़ी की, आप आइसक्रीम खाओगे आपको नशा हो जाएगा, तो ये चीज़ है। अच्छा, इससे पहले वाला जो मेरा दुबई से जब मैं इंडिया वापस आ रहा था उसमें मैंने दुबई में बेलीज दिखाई थी, आप लोग मेरे को बताना कि रेट में कितना डिफरेंस है यहाँ पे। रोकोजिन सिलेक्ट एडिटर ना, एडिशन लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है एडिटर लिखा हुआ है। प्राइस है एक लेते हो तो 3900। ओके, ये सारी वाइन्स हैं यार, वाइन्स देख के पता नहीं मेरे को क्यों कुछ हो जाता है, बट आप अभी सिर्फ नाम देखो और रेट देखो। कैसी लैरोडी है आप लोग, ये आप एक बारी देख लो, यहाँ पे इनका जो है ऑफर प्राइस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बोटेगा गोल्ड प्रोसेसिव, नाम भी नहीं समझ आ रहा, वही दुबई वाला सीन हो रहा है, ऐसे ऐसे नाम है भाई, ना कभी सुने हैं और पढ़ रहा हूँ तो पढ़े भी नहीं जा रहे। ये देखो और एक यहाँ पे ही अलग है, वाह वाह मासी जी, मासी टुपुन गैटो, वाह मासी जी है 2790। वाह, मैं भी वाह तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैंने चखी हुई है यार, अपना इतना नसीब कहाँ कि हम दारू पिए। यार जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ना यहाँ पे रेट्स को लेके, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कस्टम ड्यूटी है बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये है भाई साहब चीज़ें, शैम्पेन, सो दिस इज़ आर्मंडी ब्रिगना गोल्ड 42,000 रुपये की, क्रग मिलेगी आपको 2939, 30,000 रुपये मार लो आप, 11,000 रुपये की। देखो मोल्टन सैंड रोज़,
ये तो छोटी छोटी हैं, क्या क्या 7-7 हज़ार रुपये की शैम्पेन है, बट ठीक है, शैम्पेन शैम्पेन होती है भाई, आप कुछ कर नहीं सकते। देखो मोस्टली आपको पंजाबी लोग मिलेंगे यहाँ पे। पंजाबी होए तो दारू होए नहीं, अब ये एक वैसे आपको एक आइडिया बता देता हूँ, ये यूनिट का प्राइस है, ये ऑफ़र प्राइस है, ये दो लेते हो तो ये प्राइस मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी जो है ये वाइन्स का सेक्शन है बेसिकली, और यार नाम नहीं ले पाऊँगा, पहले से ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आप देख लो कौन कौन सी वाइन है, और साथ साथ जो है ना आप रेट भी देख लो, वीडियो पॉज, मैं वीडियो बहुत आराम से रोटेट कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको जो प्राइस है ना इसमें आपको प्राइस क्लियर हो जाए। ये देखो ये सारी वाइन्स हैं, जस्ट लुक एट द ब्रांड्स यार, ब्रांड्स भी छोड़ो यार, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी हुई है इन लोगों ने, देखो फाइनली हमारा जो सेक्शन आ गया वोडका का आ गया, दिस इज़ द लास्ट वन, और उसके बाद जो है यहाँ का जो ख़त्म हो जाएगा हिसाब किताब, क्योंकि ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। देखो रोबोटो का वाली, चलो ये ब्रांड तो मैं जानता हूँ बिकॉज ये फर्नीचर भी बनाता है, तो काफ़ी सामान हम लोग लेते हैं इससे, रोबोटो का वाली से, इवन परफ्यूम भी है इसके तगड़े तगड़े, बट इसकी जो वोडका है रोबोटो का वाली वोडका जो है ऑरेंज, इट्स 5490। सही है, एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट काउंटर, एक बार जिन देखते हैं, जिन के बाद फिर हम लोग, या पहले ये देखते हैं ये सारा के सारा जो है ना, ये वोडका है बेल्वेडेरे, वाओ यार 10,000 रुपये की वोडका, बट आई थिंक 2 लीटर से ज़्यादा है ये, आई थिंक सो, 1.75 लीटर, दिस इज ठीक है ठीक है ठीक है, 1.75 लीटर है। ओके नाउ ग्रे गूज इज 7190। अच्छा यार ये बड़ी चलती है, मतलब सस्ती है तो चलती है, ये यहाँ पे आपको मिल रही है 2090 रुपये की, एक बार आप कमेंट में बताना ये वाली कितने की है। ये वाला काउंटर आई थिंक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था, दिस इज़ लिकर क्या दारू ये जो भी है, ये देखो ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ये ना उसकी जो बेलीज है ना, दिस वन, ये जो बेलीज़ की आई थिंक कॉफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी फ्लेवर है ना, कॉफ़ी क्रीम है ये, आप कॉफ़ी मतलब क्रीम खाओ और आपको नशा हो जाएगा ज़बरदस्त वाला, जस्ट लाइक एन आइसक्रीम एक्चुअली। चलो भाई एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कम टू दी लास्ट काउंटर, ये जिन है और ओक्सले की मिल रही है यहाँ पे 5390।
बॉम्बे सफायर की है 3190। एक दो चीज़ें रह गई हैं, वैसे तो ये भी बॉम्बे सफायर ही है, लेकिन यहाँ पे अलग क्यों है रेट, 4390 क्यों है, अलग होगा आई थिंक कुछ ना। ठीक है ठीक है, लास्ट आ गई है ये दो बोतलें 8100 रुपीज़ की। नाम है इसका ग्लेन मोरेंजी। ओके, टू बॉटल्स फॉर 12 डेरे वोट का। चलो ये भी देख लो, वैसे तो मोटा मोटा यार हम लोगों ने कवर कर ही लिया है। यार आप लोगों को एक बात बताऊं, सही में मानोगे, मतलब मेरा अभी आपके सामने मैंने वीडियोस बनाई हैं, मुझे नहीं पता भाई किस विस्की का किस बॉटल का क्या रेट चल रहा है, लेकिन यार एक चीज़ मेरे को ज़रूर पता है कि यार ड्यूटी फ्री में अगर आपकी ड्यूटी नहीं लगती ना, तो जो आप अगर सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को यार देखो, जौन सा ब्रांड आप पीते हो उसका प्राइस आपको पता है, ठीक है, आप कंपेयर कर लो, आपको बहुत माइनर डिफरेंस मिलेगा। तो यार बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार ड्यूटी फ्री से यार दारू मंगाएंगे बहुत सस्ता है, या ड्यूटी फ्री से परफ्यूम मंगाएंगे बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है डिफरेंस है, बट आप सोच रहे हो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है। तो यार प्लीज़ आप इतना गलत फहमी में मत रहना। तो भाई 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 फाइनली 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 काफ़ी अच्छा यार यहाँ पे ऑप्शन थे काफ़ी। मेरे को यार देखो दारू की ना इतनी नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो हो सकता है कुछ दारू के नाम का कुछ प्रोनंसिएशन उससे गलत हो गया, तो थोड़ा बहुत भाई लोग आप लोग एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली का, अभी मैं दिल्ली का जैसे कस्टम ड्यूटी है तो दिल्ली में मैंने आप लोगों का जैसे रिक्वेस्ट आया था वाइंस कवर करनी है, तो वो तो मैंने कर लिया। नेक्स्ट टाइम दिल्ली की मेरी कोशिश रहेगी कि मैं परफ्यूम्स कवर करूँ, क्योंकि एक परफ्यूम का भी मेरे को कमेंट आया था कि भैया आप ना प्लीज़ परफ्यूम का भी एक छोटा सा व्लॉग बनाओ, दिल्ली ड्यूटी फ्री कस्टम्स में किस किस तरह, मतलब जो भी परफ्यूम्स हैं उनके क्या प्राइजेज़ हैं, तो यार वो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। एंड जो दुबई के एयरपोर्ट में जो हमारा जो विस्की का जो व्लॉग है ना, प्लस एक परफ्यूम का व्लॉग, वो भी पेंडिंग है। तो प्लीज़ यार स्टे ट्यून, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कॉन्टेंट बहुत तगड़े लेवल का आने वाला है। तो भाई फाइनली इट इज़ टाइम टू साइन आउट फ्रॉम दिस वीडियो, सो लेट्स एंड दिस वीडियो, लेट्स एंड दिस व्लॉग। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब भाई वीडियो पसंद आ गया है तो भाई लाइक कर दो ना। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और हमेशा की तरह मेरी नीचे इंस्टा की आईडी आ रही होगी, वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग स्टफ कॉन्टेंट पता नहीं क्या आपके लिए वेट कर रहा है। सो स्टे ट्यून, टिल देन स्टे हेल्दी, राइड सेफली एंड बाय बाय। तो भाई ये देखो, ये 2 घंटे लेट होने के बाद हमारी फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे देखो यहाँ राजमा चावल चल रहे हैं, और ये हाल देखो। अब आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि फ्लाइट हो गई पहले 1 घंटा डिले, फिर हो गई 1 घंटा और डिले, मतलब आप ये मान के चलो 2 से 2.25 घंटे जो है ना अपनी फ़्लाइट डिले हो गई। तो 2-4 लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं हम लोग गए उनके पास जो काउंटर होता है बोर्डिंग का, हमने बोला भाई देखो फ़्लाइट डिले हो गई है और आप यू हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। यार आप देखते हो ना इंस्टा पे कितनी रील्स वायरल होती है कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो गई तो आपको एक्स वाई जेड कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो हमने उनको कॉम्पनसेशन हमने बोला, बट ऐसा कोई कॉम्पनसेशन नहीं था। हाँ इतना ज़रूर था कि उन्होंने ना डिनर ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब एक छोटा सा बकेट था उसके अंदर राजमा चावल थे, एक रियल का जूस था और एक पानी की बोतल थी, ठीक था, मतलब वी कांट एक्सपेक्ट कि कुछ ज़्यादा ही करे, ऐसा कुछ नहीं था, बट ठीक है यार इन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन वो भी तब किया क्योंकि हम लोगों ने उनको बोला था, अगर हम लोग नहीं बोलते तो वो हो सकता है डिनर ऑर्गेनाइज़ ना करते। तो यार द मॉरल ऑफ द स्टोरीज, अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप जाके बोल सकते हो, अपनी वॉइस को रेस कर सकते हो।